हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अब्दुल रहमान यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा आप विंडोज़ पे सीरियल कैसे चेंज कर सकते हैं। न्यू सॉफ्टवेयर आया है एक आई लेवेंडर के नेम से, आप इसे इंस्टॉल करेंगे। फर्स्ट इंस्टॉल करने के बाद नेट फ्रेमवर्क अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आपको इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये इंस्टॉल करेंगे आप। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, तो आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करके यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज चेंज करें, इंग्लिश करें। इंग्लिश करके अपने जो भी मॉडल का सीरियल चेंज करना है यहाँ से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करके यहाँ से आप नए डी एफ ई मोड में कनेक्ट करना है। डी एफ ई मोड में कनेक्ट करके एंटर पर्पल स्क्रीन करना है, लेकिन उससे पहले आपने ये ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं दोनों। ये वाले तो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, इंस्टॉल जब हो जाएंगे ये वाले आपके मतलब के पी सी में ऑलरेडी होंगे, आई ट्यून्स के थ्रू होते हैं ये, तो ये ऑलरेडी होंगे। आप ये करेंगे ना तो आपके पास एरर आएगा कि आपके पास ऑलरेडी अपडेटेड है। उसके बाद अपने डी एफ पी मोड में एंटर पर्पल स्क्रीन करना है। पर्पल स्क्रीन करके अपने यहाँ पे पोर्ट सेलेक्ट करनी है, कॉम पोर्ट जो आएगी ना वो अपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करके सीरियल को टिक करना है, यहाँ पे सीरियल जो आपने चेंज करना है वो चेंज करके राइट जो ना राइट एंड सेलेक्टेड डाटा करना है, तो आपका जो सा सीरियल चेंज हो जाएगा विंडोज़ पे। ऑटोमेटिक टूल है ये, आई रिपीट की तरह टूल है, लेकिन ये विदाउट एनी बॉक्स है। ये देखें कुछ भी कनेक्टेड नहीं है मेरे पास ना, कोई बॉक्स वगैरह कनेक्टेड नहीं है। विदाउट एनी बॉक्स वगैरह आपका ना काम हो जाएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।